महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार की शाम को बोरीवली स्थित नेशनल पार्क में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें टक्सीडमी सेंटर, प्राणियों हेतु हॉस्पिटल, कैट ओरिएंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 8 रेस्क्यू एम्बुलेंस वन विभाग को प्रदान की गई है। 40 मोटरसाइकिल वन कर्मचारियों को गश्त के लिए दी गई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पूर्व संचालक एरिक सोले मौजूद रहे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मिनी ट्रेन बहुत पुरानी थी, अभी मिनी ट्रेन के बारे में हमने प्रस्ताव देने के लिए कहा है। मिनी ट्रेन नई बनाने के लिए करीब करीब एक 25 से 30 करोड़ का खर्च आएगा, मगर उस दृष्टिकोण से एक मीटिंग लेकर मैं खुद फिर से आने वाला हूँ। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के कारपोरेटर सबके साथ मीटिंग करके, आखिर ये अकेले एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी सब की मिल के जिम्मेदारी है। हम इस संजय गांधी नेशनल पार्क से ऑक्सीजन तो लेते हैं, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, अमृत लेते हैं और जहर देने का काम करते हैं, और इसलिए सबको साथ लेके ये एक लोक आंदोलन के रूप में, चाहे वो ट्रेन हो, यहाँ की स्वच्छता गृह की बात हो, यहाँ पे कुछ रास्ते बहुत ही ख़राब हुए हैं, कोई फेंसिंग ख़राब हुई है, बैठने के बेंचेस अच्छे नहीं है, तो ये सारों का आकलन करके एक अच्छा नियोजन करके यहाँ जो भी आएगा वो विश्व का सबसे अनमोल खजाना, महंगी कॉस्मेटिक, चेहरे की हंसी लेके जाएगा।